हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी बज रहे घड़ी में शाम के 6 बज रहे, तो मेरा काम वैसा ही बाकी है। और मैं पहले सबसे पहले मैं शाम का काम किस तरीके से रेडी करती हूँ ये आपको बताती हूँ। मैं शाम का खाना बनाने का पहले से ही रेडी कर लेती हूँ, क्योंकि वो मैं प्याज वो पूरा कट कर लेती हूँ ना, वो पूरा कचरा बाहर गिरता है। उसके बाद उन कचरा गिरने के बाद फिर झाड़ू मारना बोले तो और एक बार ये हो जाता। तो मैं पहले शाम का जो भी खाना पकाने का रहता है वो पहले से ही मैं रेडी करके रख के झाड़ू मारती हूँ। तो मैंने आज चपाती बनाने का सोचा, तो यहाँ मैंने आटा गूंथ के बाजू में रख दिया है। और इतनी जल्दी मैं चपाती बनाए तो बच्चों के लिए ठंडी हो जाता है। और ये मुझे आज पिकला बनाने का है, तो प्याज वगैरह मैंने पहले से ही यहाँ कट करके रख दी। और पहले मैं घर का पूरा झाड़ू मार दी, शाम का झाड़ू मार दी। बच्चों ने यहाँ पूरा खोल के रखा है, तो ये पूरा मैं कचरा बैठ के ऊपर का ऐसे अच्छी तरीके से ये करके साफ कर लूँगी। इसके बाद ही ये बच्चों स्कूल से आते ही ना पूरा बैग में बैग बुक्स जगह का उधर रह जाते हैं। अभी होमवर्क के लिए यहाँ पर बैठे हैं, तो मैं पहले बेड साफ कर लूँगी, उसके बाद मैं झाड़ू लगाऊँगी। और अभी यहाँ मेरी बेटी होमवर्क करने का है, तो ये उसके बुक्स ढूंढ रही है। मैं अभी पूरा कचरा दीदी ने होमवर्क करने के लिए बैठी है। टीचर ने आज इन्हें ड्राइंग प्रोजेक्ट ड्राइंग करने के लिए दिया है। देखिए दीदी का ड्राइंग पसंद आया तो वाह, बहुत अच्छा ड्राइंग कर रहे हैं। प्लीज़ इस ड्राइंग के लिए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही मिलेंगे आपको रोज़ एक देखने के लिए नए नए ड्राइंग्स। और हमारे दीदी का एक ड्राइंग आर्ट विद मी चैनल भी है, उस पर आप जाके लिंक पे जाके आप देख सकते हैं। इसने बहुत अच्छे अच्छे ड्राइंग्स डाले हैं। प्लीज़ मुझे तो ये ड्राइंग बहुत पसंद आ रहा है। आपको देखिए अच्छी तरह से कितनी अच्छी ड्राइंग करी है हमारी दीदी ने। और इसका फेस अभी पूरा नहीं बना, मगर बनाने के बाद भी मैं इसका वीडियो आपको बताऊँगी। अभी खाना भी बनाने का है, घर में अंधेरा है, मैं पहले लाइट ऑन करूँगी, घर के कर्टन्स पूरे विंडोज़ पूरे लगा दूँगी। अगर विंडोज़ खुले रहते हैं ना तो पूरे मच्छर आ जाते हैं घर में, तो ये पूरे काम मैं कर दूँगी। इसके बाद मैं खाना भी बनाऊँगी। अभी खाना बनाने के बाद मुझे एडिटिंग भी करना होता है। गाइस प्लीज़ सपोर्ट कीजिए एडिटिंग करने के लिए, मुझे बहुत सर में दर्द हो रहा है, मेरी मेहनत को वेस्ट मत करिए। और देखिए मेरा किचन कैसा है, आपको पसंद आएगा या नहीं आएगा। मुझे बहुत क्लीन रखने की आदत है, ये काम में मेरा टाइम पूरा बिजी हो जाती हूँ मैं। एडिटिंग करने के लिए मुझे टाइम मिल नहीं रहा है, मगर 2-3 घंटे टाइम निकाल के ऐसे ही कर रही हूँ, क्योंकि नया नया ब्लॉगिंग है ना, बहुत कुछ सीखना पड़ता है। तो गाइस प्लीज़ हमारी मेहनत को वेस्ट मत करिए, मुझे और धनुष को सपोर्ट कीजिए। खेल कूद कर वापस आ गया है, अच्छे से हाथ पांव धो लिया है, अभी ये होमवर्क करने के लिए बैठेगा। इसको मैम ने आज बहुत होमवर्क दिया है, अभी पानी पी के होमवर्क करने के लिए बैठेगा। पानी पी रहा है। हम घर में एक्वा गार्ड का वाटर यूज़ करते हैं। गाइस आप कौन सा यूज़ करते हैं कमेंट में लिखिए। अभी किचन में आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। बेसन का पिटला बनाने की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ मैंने कढ़ाई चढ़ाई और ये मसाले का बॉक्स भी ले लिया, ऑयल। और ये मैंने पहले से ही ऑनियन मिर्ची पूरा जो भी हमें मुझे इस पिटले को बेसन का पिटला लगता है, बेसन के पिटले को जो भी सामग्री लगती है वो मैंने यहाँ कट करके रख ली है, धो के अच्छे से। अब मैं बेसन का पिटला आज लंच में बनाऊँगी। अभी मेरा बेसन का पिटला भी बन के रेडी हो चुका है, और मैं इसमें खाली हरी मिर्च और नमक हल्दी इतनी चीज़ें ऐड करी हूँ, और तीखा इसमें मैं लाल मिर्च यूज़ नहीं करी हूँ। अगर आपको ये दिखने में अच्छा लगे, खाने में भी टेस्ट लगे, तो इसकी रेसिपी को मेरे साथ आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसकी रेसिपी आपको बता दूँगी। हमारे गावरानी भाषा हमारे विलेज टाइप तो ऐसा ही खाना ज़्यादा बनाते हैं ये पिटला। अरे हाँ, आज मैं बनाऊंगी चपाती। चपाती यानी रोटी, आप रोटी कहते हो हिंदी में, हम हमारे मराठी लैंग्वेज में
चपाती कहते हैं। तो चपाती रोटी बनाने के लिए मैंने पहले से ऐसे छोटे छोटे ये बना के रख लिए, क्योंकि रोटी बनाने में हमें बहुत बिजी होता है, जल्दी 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 हम इसे ऐसे बना के अगर हम रख लिए तो जल्दी जल्दी रोटी बना सकते हैं। फिर मैं बच्चों को खाऊंगी, उसके बाद मैं बच्चों को खाना दूंगी। तो यहाँ मेरी चपाती बन के रेडी हो चुके हैं। मैंने यहाँ चपाती बन के गर्म गर्म हॉट बॉक्स में डाल के रखी है, क्योंकि बच्चों के लिए भी गर्म और नरम भी रहेगी। और मेरे पति को तो ऐसे सेकी हुई अच्छे से कड़क चपाती पसंद है, तो मैंने यहाँ उनके लिए कड़क बनाने के लिए उनके लिए कड़क बना रही हूँ। थोड़ी देर में इसे ऐसे ही तवे पे रख दूँगी और ये कड़क बन के रेडी हो जाएंगे। उन्हें ऐसे ही चपाती पसंद है। मैं अभी बेटी को पूछती हूँ, उसका होमवर्क कंप्लीट हो गया है और वो टीवी देख रही है, सौरभ जोशी के ब्लॉग लगा कर देख रही है। खाना खाएगी? खाना मैं अभी इसको खाना दूँगी, इसका भी होमवर्क कम्प्लीट हो गया है। खाना खाएगा? हाँ, इन दोनों को मैं अभी खाना दूंगी, उसके बाद मेरा भी पूरा काम होके फिनिश एक काम। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगी आपको मेरे कल के ब्लॉग में। आपसे मैं भी आपको ब्लॉग में थोड़ी थोड़ी दिखती रहूंगी, क्योंकि अभी बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो धनुष आपको कम से कम दिखेगा, इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी क्यों ना थोड़े से ब्लॉग इसमें ही कर लूँगी। तो मेरा और धनुष का ये ब्लॉग दोनों का भी रहेगा, दोनों मिलके बनाएंगे। अगर आपको मेरा ये आज का ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। मैं मिलूँगी आपको कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।